आ गए हैं आप, आ गया हूं मैं। चलो मिलकर कर लें कुछ टेक्नोलॉजी की बात। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अपनी अपनी सोच में। और आज के टेक टाइम में मैं बात करने वाला हूं WhatsApp के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से WhatsApp लगातार चर्चा का विषय रहा है हिंसक और फेक न्यूज के वायरल होने के कारण। तो आज सबसे पहले हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमारा WhatsApp वर्क करता है और किस तरह से हमारा मैसेज मेरे फ्रेंड के मोबाइल में ट्रांसमिट होता है व्हाट्सएप सर्वर के थ्रू। आपने व्हाट्सएप पे इन टू इन इंक्रिप्शन का नाम तो सुना होगा, आखिर ये इन टू इन इंक्रिप्शन है क्या? तो चलिए सबसे पहले इस चीज को जान लेते हैं। जब कभी हमारा मोबाइल के व्हाट्सएप से हम मैसेज अपने फ्रेंड के मोबाइल पर फॉरवर्ड करते हैं, तो सबसे पहले वो मैसेज कोडवर्ड में कन्वर्ट होता है हमारे ही मोबाइल में। उसके बाद वो कोडवर्ड व्हाट्सएप के सर्वर पर जाता है और व्हाट्सएप का सर्वर उस कोड को हमारे फ्रेंड के मोबाइल के व्हाट्सएप पर सेंड करता है। और जब वो मैसेज हमारे फ्रेंड के व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाता है, तो हमारा फ्रेंड का व्हाट्सएप उस मैसेज को डिक्रिप्ट करता है और ओरिजिनल मैसेज शो करता है। यहां एक एंड पर जहां आप हैं अपने ओरिजिनल मैसेज को कोडवर्ड में कन्वर्ट करके व्हाट्सएप के सर्वर पर भेजते हैं, वहीं दूसरी ओर उसी कोडेड मैसेज को आपका फ्रेंड व्हाट्सएप के सर्वर से रिसीव करता है और फिर उसे डिकोड करता है और ओरिजिनल मैसेज गेट करके पढ़ता है। बिटवीन ना तो कोई उस मैसेज को देख सकता है ना ही समझ सकता है। यदि किसी कारण से वो देख भी लिया तो उस मैसेज को वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो फुल्ली कोडेड रहता है और उस कोड को डिकोड आपका मोबाइल एप्लीकेशन, आपके फ्रेंड का मोबाइल एप्लीकेशन जिस नंबर पे आपने उस मैसेज को भेजा है, सिर्फ वही डिकोड कर सकता है, कोई और नहीं। यहां तक कि व्हाट्सएप भी उस मैसेज को देख नहीं सकता है और ना ही व्हाट्सएप उस मैसेज को, आपके किसी भी मैसेज को, किसी भी मीडिया को अपने सर्वर पर स्टोर करके रखता है। जब कोई व्यक्ति कोई मैसेज या मीडिया व्हाट्सएप के सर्वर पर भेजता है, तो बस उतने समय के लिए वो व्हाट्सएप के सर्वर पर रहता है जब तक कि वो रिसीवर के मोबाइल पर रिसीव ना हो जाए, चाहे रिसीवर देखे या ना देखे। एक बार वो मैसेज रिसीवर के मोबाइल पर रिसीव हो गया, उस समय से वो मैसेज व्हाट्सएप के सर्वर से डिलीट हो जाता है। और यदि किसी कारण से यूजर यानी कि रिसीवर ऑफलाइन है, तो व्हाट्सएप उस मैसेज को कोडेड फॉर्म में ही अपने सर्वर पर अगले 30 दिनों के लिए स्टोर कर रखता है और लगातार उसे रिसीवर के मोबाइल पर भेजने का प्रयास करता है। यदि 30 दिनों के भीतर वो भेजने में सफल नहीं हो पाया, तो वो मैसेज भी डिलीट हो जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार का आपका पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डाटा व्हाट्सएप के पास सेव नहीं रहता है, ये सिर्फ आपके और आपने जिसे वो मैसेज किया है उसके पास ही रहता है। व्हाट्सएप ने ये फीचर इसलिए लाया था ताकि आप अपने कॉन्फिडेंशियल डाटा को लेकर आश्वस्त रह सके कि कोई आपके कॉन्फिडेंशियल डाटा, कॉन्फिडेंशियल चैट और कॉन्फिडेंशियल बातें मीडिया को देख और सुन समझ नहीं सकता है। पर कई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं और कई ऐसे हिंसक मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस मैसेज का कोई ट्रैक नहीं है, कोई इसे देख और समझ नहीं सकता है, इसलिए वो कई हिंसक मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। भारत में भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हमने सुना होगा कि किस तरह से 29 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है एक फेक मैसेज के वायरल होने के कारण। सरकार ने भी इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया है और व्हाट्सएप को कड़ी हिदायत दी है कि जल्द से जल्द वो कुछ ऐसा फीचर्स लेकर आए जिससे कि इस तरह के मैसेज पर बाउंडेशन लगाया जा सके, इस तरह के मैसेज को रोका जा सके, जिससे कि किसी भी प्रकार से हिंसा की भावना, किसी भी प्रकार से किसी को आहत ना पहुंच सके। पर क्या यह संभव है? क्योंकि जहां व्हाट्सएप इस चीज का दावा करता है कि आपका मैसेज इन टू इन इंक्रिप्टेड है, यानी कि या तो आपका मोबाइल समझ सकता है या आप जिसे भेजे हैं उसका मोबाइल उस चीज को समझ सकता है, इन बिटवीन कोई उसे देख और समझ नहीं सकता है, फिर व्हाट्सएप किस तरह से यह पता लगाएगा कि कौन सा मैसेज फेक है, कौन सा मैसेज हिंसा फैला रहा है? पर व्हाट्सएप भी पीछे नहीं है। व्हाट्सएप भी कई बुद्धिजीवियों से इस पर सलाह मशवरा कर रहा है, कई बुद्धिजीवियों से इस पर अपना विचार मांगा है कि आखिर किस तरह से इस तरह के मैसेज को वायरल होने से रोका जा सके। पर व्हाट्सएप जब करेगा, जब नए फीचर्स को लाएगा, ये तो अभी बहुत दूर की बात है, अभी जरूरत है तो हमें अपनी ओर से सावधानी बरतने की।
इसलिए मेरा मेरे दर्शकों से यह अनुरोध होगा कि किसी भी प्रकार के ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड ना करें जो किसी भी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक मान्यताओं को बढ़ावा देता हो, या वो मैसेज जो किसी भी प्रकार से हिंसक रूप ले सकता है, ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड बिल्कुल भी ना करें। और ऐसे मैसेज की सत्यता की भी जांच कर लें कि वो कितना हद तक सच है। जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं कि WhatsApp पर ऐसे मैसेज आते हैं, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बच्चों की गुमशुदगी से या फिर राजनीतिक या प्रशासनिक नोटिस, हम इसे बिना सत्यता की जांच किए ही यहां वहां फॉरवर्ड करते रहते हैं, जिसके कारण कई बार कई लोगों को आहत भी होता है, कई लोगों को ठेस भी पहुंचता है। इस चीज को हमें समझना होगा। ऐसे मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले हमें उसकी सत्यता की जानकारी कर लेनी चाहिए ताकि ये कभी किसी को आहत ना करे। आशा है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी और आप मेरे बात को अच्छे से समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएं कि इस तरह के मैसेज को कहीं फॉरवर्ड करने से बचें, ताकि आप भी सुरक्षित रह सकें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे वीडियो को कभी मिस ना करें। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।